हेलो गाइस, आ गया एक और न्यू बकचोदी जबरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर। भाई आज आपके भाई का ना मूड हो गया था बिल्कुल भी। क्या बताऊं गाइस, आजकल की लड़कियां ना सिर्फ जोनाथन और डायनेमो के साथ खेली, डायनेमो ठीक है ना। हम जैसे नूबड़ों के साथ नहीं खेलेंगे, अल्फा के साथ तो खेलेंगे नहीं। अल्फा चूतिया है, अल्फा रहेगा रड़ुआ, ये कहती हैं लड़कियाँ आजकल की। तो भैया मैंने किया था एक का वेट, वो 2 घंटे तक खेलती रही जोनाथन के साथ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्फा तो रड़वा है तो रड़वा ही। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस, वही रहेगा। तो भैया मैं कूदता हूँ आज फैक्ट्री, और साथ में कूदते हैं कुछ मेरे अस्त्र शस्त्र वाले बंदे जो मुझे मारने आ रहे हैं। पर आप लोगों को तो पता है कि आपके भाई को मार पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और फैक्ट्री कूदते ही ना गाइस, तो देखो गाइस, उतरते ही मिलता है कुछ अजीब किस्म की चीज़ें, जैसे मौली, हेलमेट, गन नहीं मिलती, कद्दू बारे गए, कुछ नहीं गाइस। तभी देखता हूँ सामने भी लड़कों के अभी छाते खुले होते जब तक तुम्हारे भाई की गन मिल गई होती है। आओ दरबार में आओ माता की, अभी मजा आएगा ना भिड़ ताकि अंदर से ही तो आओगे बेटा। भैया ये सामने भालू इधर आ, तुझे शहद तो मैं खिलाऊंगा। तो फिर से भालू को मैं खिला देता हूँ। अरे ये नॉन स्टॉप गाड़ी ना सब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, सीधा पटरी से ट्रेन चढ़ी जा रही थी। तो भैया मैंने उसको खिला देता हूँ। भैया इसकी किलील कंफर्म करो, भालू को पहले जंगल भेजो, शहद खाएगा ऊपर जाके। तो भाई अब बारी थी बंदों को खिलाने की, तो मैंने 2 को तो खिला दिया। अब यहाँ मैं और भी थोड़ा फुट स्टेप आ रहे थे, साउंड आ रहे थे, स्टेप नहीं दिख रहे थे पर साउंड आ रहा था कि अभी कोई आसपास घूम रहा है, कोई एलियन टाइप का व्यक्ति घूम रहा है, खुरखुर कर रहा हो हुआ। तो भाई अभी ढूंढना था वो एलियन है कहाँ। तभी दूर से मुझे एक, अरे क्या मिल गए, अरे सस्ते ना से बैंचोद, सस्ते ना से। अरे एलियन को मार दे तो मारे हो, तुम ना मारो हम मार देंगे। तो भैया वो एलियन का रहता सस्ते नशे, उसको जादू पिक्चर तो देखिए ना, धूप नहीं मिल रही थी तो वो उसकी बैटरी हो गई थी डाउन। अब बैटरी हो गई थी डाउन तो भाई अल्फा का भी कुछ धर्म बनता है कि दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी को उनके ग्रह तक पहुंचाने का। तो भैया मैंने उसको पहुंचा दिया था। तब मैं निकलता हूं, भाई सामने की ओर से आता है फायरिंग का साउंड। आ रहा हूं बहनचोद, गाने गुच्छा इंसान के। अब भाई क्या ही कहना, अब भाई अल्फा नहीं रुकेंगे, अब उनकी भी बेटी अल्फा ही बनाएंगे। तो गाइस आप देखते जाओ, आज तो मूड ऑफ है बहुत ज़्यादा, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। बस अब यही था कि किसको पाऊँ, किसके बाल नोच के पटक पटक मारूँ, पटक पटक मारूँ, पटक पटक मारूँ। तभी भाई मैं अब ये डिसाइड करता हूँ किस घर पे पुश करूँ। तो सामने देखता हूँ एक बंदा एक और बंदे के ऊपर पुश कर रहा होता, तो मैं भी सोचता हूँ चलो मैं भी बीच में हाथ फ्राई कर लेता हूँ। तो ना अपना फायदा तो होता ही, पुराना अखबार और दुश्मन की गांठ जहाँ मिले फाड़ दो। पर भाई कद्दू कुछ नहीं मिलता है और उस बंदे को वो दूसरा बंदा ठिला देता। तभी मैं निकालता हूँ अपना नेट और उसके ऊपर करता हूँ बूम बाम वाला अपने। तो गाइस लो भैया ये बंदा ना क्या ही बताऊँ, इस बंदे को मारने के लिए मुझे अपना मेन अस्त्र निकालना पड़ा, मतलब ब्रह्मास्त्र। अल्फा को 3 ही ब्रह्मास्त्र दिए थे ब्रह्मा जी ने, एक तो मौली, एक नेड और एक एम्फ्लोर। तो भैया मुझे अपना दूसरा अस्त्र निकालना पड़ा। मौली मेरा पहला अस्त्र है जो कि मैं आदमी को मुक्ति देने के लिए यूज करता हूँ। तो अब भाई गन वन रिलोड करके निकल जाता हूँ, मैं सामने की ओर निकल रहा होता हूँ। तभी देखो भैया होता क्या है, ये बंदा मुझे ओपन में नहीं मार पाया। वैसे मार सकता था बट आई थिंक इसके में भूख नहीं होगा। तो भैया अब इसकी समाधि मैं बनाता हूँ। तो भैया इन दोनों की, इसकी तो मैंने समाधि बना दी। अब बचे थे भाई 5 लोग और एक मैं, मतलब उसी में मैं, मतलब 4 लोग। तभी पीछे से VSS के साउंड आते हैं। तो भैया लो VSS मारते हो अल्फा को, वो भी भैया जोन से आ रहा था, बंदे का हेल्थ कम था, हीलिंग करने की जगह ना फाइट लेने की जल्दी थी इस बंदे को। एक होता है अगर आप लोग होते, मैं होता तो इसकी जगह ना मैं हीलिंग पेलता पहले, कि भैया बंदे को तो ठिला ही सकता हूँ, पहले हीलिंग कर लूँ। तो अब गाइस मैं आ जाता हूँ ऊपर की ओर, बच्चे होते 3 बंदे और मुझे चाहिए थी किल।
मैं सोच रहा था ये तीन बंदे एक ही टीम के हो तो मजा ही आ जाए, 1v3 कर दूं लास्ट में, पर ऐसा होता नहीं है। तीनों अलग अलग होते हैं भैया, अलग अलग ग्रह के प्राणी होते हैं, तो भैया आपस में भी एक दो लड़ जाते हैं इस ग्रह को जीतने के लिए, पर ये ग्रह सिर्फ और सिर्फ अल्फा का होता है भाई, इस पे कोई हाथ नहीं मार सकता, किसी के औकात ही नहीं है, क्योंकि आज वैसे ही बहनचोद मूड ऑफ है। तो भैया अब मैं ढूंढता हूँ बंदे, अब मुझे घंटा नहीं मिलते हैं बंदे, ड्रॉप ड्रॉप तो होता है सामने, तो मैं सोचता हूँ यहीं कहीं होंगे, कुछ हो नहीं मिलता है, तो ऐसे ही मैं घूमता घूमता रहता हूँ, टाइम पास करता रहता हूँ। भाई आप लोग भी टाइम पास करो, पर हाँ मैं आप लोगों से कह दूँ भैया मेहनत बहुत लगती है, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो, तभी भैया दूर एक बंदा दिखता है, तो भैया इसको ठिलाता हूँ M4 के सिंगल डिस्प्ले से। भैया क्या ही बोलूँ भाई, M4 आप लोग कह रहे होगे AWM M4 कुछ नहीं है, पर नहीं भाई ये है ब्रह्मास्त्र जो कि ब्रह्मा जी ने अल्फा को दिया है। जब तक M4 हाथ में है तब डरने की कोई बात नहीं है भैया। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ, मुझे पता है अब सामने एक बंदा है और मैं हूँ, अगर मैं ओपन जाऊँगा बाहुबली बन के तो वो मुझे कटप्पा बन के पेल ही देगा पीछे से तलवार, तो मैं नहीं लेता हूँ रिक्स, क्योंकि आप लोगों को खिलाना है चिकन और अपना करना है मूड थोड़ा फ्रेश, क्योंकि मूड है ऑफ आप सबको पता है। तो गाइस मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अभी तक कोई चैनल पे जुड़ा नहीं है ना तो जुड़ जाना भाई, पीछे भी कुछ अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी हैं आप लोगों के लिए, वो भी देख लेना भाइयों, क्योंकि वॉचिंग टाइम भी तो ज़रूरी है ना तुम्हारे भाई को। तो गाइस छोड़ो वो सब छोड़ो, आप आ जाओ इधर, तो भैया इस बंदे को ठिलाना अल्फा का काम है, और अल्फा इसको बड़े प्यार से ठिलाएगा, बहुत टाइम लेके ठिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास भी भाई, लोग बहुत टाइम है, गर्मी आ चुकी है, है ना आपके मस्ती के लिए। तो भैया सिंगल एंगल देता हूँ, कुछ नहीं होता। अब देखो गाइस, अब उस बंदे का दिमाग देखो, सामने से शॉट पड़ा है पर वो उसी विंडो से कूदेगा जहां से शॉट पड़ा है। तो भैया मैं लगाता हूँ देसी ठर्रा, 5 रुपए में लिया था कल, वही लगा रहा हूँ, आओ बेटे कूदो। तो भैया मैं एक बार और देखता हूँ, भैया आ ही गया वो। तो लो भाई ये है ब्रह्मास्त्र अल्फा का, भैया इसको ठिलाने